परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए मोहल पल्ली मंडली की ओर से 2020 का स्वतंत्रता दिवस की गिरजा आराधना में आप सबों को स्वागत है। इस समय गिरजा आराधना से पूर्व हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी में से साक्षीवाणी गीत नंबर 242। उठे परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तय से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण
हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से हम छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु हमारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हमको अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की आजादी है, और हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा से हमारे मानों में सच विश्वास और दृढ़ आश्रय उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीराजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशलता से साथ इस संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी होएं, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:31-36 तक, इसको भाइयों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे, और दूसरा पाठ वचन बहनों की ओर से जो व्यवस्था विवरण उसका 6:20-25 तक। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:31-36 तक। उसमें यूँ लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ तक आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:20-25 तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार कहता है, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा
हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है? तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यहाँ तक, आमीन। वचन पढ़ने वालों को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलिश के संग मिलकर अपना विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र आपे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी में से, साक्षीवाणी गीत नंबर 247। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, पाके
हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का जीवित वचन भजन संहिता 119-130 में कहता है, तेरा वचन का प्रकाश खुलने से भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, तेरी बड़ी दया और तेरी बड़ी अनुग्रह है प्रभु जी कि इस 2020 का अगस्त 15 को स्वाधीनता दिवस के रूप में आज हमें मनाने के लिए सुअवसर प्रदान किया है। साथ में प्यारे प्रभु जी, तूने हमें तेरे महिमा में आकर के तेरे वचनों को सुनने और सीखने के लिए भी अवसर प्रदान किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि विगत 74 वर्ष से पहले प्रभु तूने हमारे भारतवर्ष को इंग्रेज शासन की अधीनता से तूने स्वतंत्रता प्रदान की है। उसी प्रकार के प्रभु जी, हम तेरे बाइबल के वचनों से देखने पाते हैं, सुनने पाते हैं, जानने पाते हैं कि तेरे निज वंश को, तेरे निज लोगों को, इसराइलियों को मिस्र के बंधुई से प्रभु तूने छुटकारा दे करके उस कनान के राज में प्रवेश कराया। हे स्वर्गीय पिता, तो हम मनुष्यों को प्रभु जी तेरे पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु और लहू बहाने के द्वारा पाप मृत्यु शैतान से प्रभु तू छुटकारा दे करके प्रभु जी अनंत जीवन के लिए वारिस होने के लिए तूने ठहराया है। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, अब तेरे चरण तेरे शरण में आते हैं प्रभु जी, और तुझी को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। आज के दिन ऐसा तूने हमें अवसर दिया है कि स्वतंत्रता के अवसर पर हम अपने जीवन को किस प्रकार के व्यतीत करने पाएं, इस निमित्त तेरे बाइबल के वचनों में तूने जिन वचनों के द्वारा हमें प्रकाशित करना चाहता है, दयालु ईश्वर पिता, हमें तो अपना आत्मा दीजिए, अपने आत्मा से अगुवाई कीजिए कि तेरा पवित्र वचन को हम ध्यान और मनन करने पाएंगे और पवित्र जीवन जी करके प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया है और हमें जो पाप मृत्यु और शैतान से स्वतंत्रता किया है, उस स्वतंत्रता को हम अपने जीवन में लागू करने पाएंगे और तेरे अनंत जीवन के लिए हम तेरे राज में प्रवेश करने पाएंगे। दयालु ईश्वर पिता, जितने सारे इस समय तेरे पवित्र वचन की उपस्थिति में, तेरे आराधना में उपस्थित हुए हैं, सबों के मन और आत्मा को प्रभु जी तेरे ओर खींच कि पिता परमेश्वर, बा तेरे वचन पर हम एक होकर के ध्यान और मनन करने पाएंगे, अपने जीवन को सुधारने पाएंगे और इस दुनिया के नाना प्रकार के जंजाल से हम स्वतंत्रता प्राप्त करके तेरे मुक्ति का राज, अनंत राज में प्रवेश करने पाएंगे। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन उदय से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय 1-7 तक, इसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें, क्योंकि जैसे हमारे एक ही देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो
तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, यहाँ तक आमीन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। 15 अगस्त आज के दिन हम सभी भारतीयों के लिए आनंद और खुशी का दिन है। यह हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व का दिन है। यह दिन हम सभी भारतीयों को स्मरण कराता है कि वर्तमान में जो स्वाधीनता प्राप्त हैं, इसके पीछे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को आहुति दिए हैं। इस दिन हम उनके त्याग, पराक्रम एवं बलिदानों को याद करते हैं। आवश्यकता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों के आगे आदर के साथ उनके बताए हुए मार्ग और आदर्श का अनुसरण करें। मसीही दृष्टिकोण से स्वतंत्रता दिवस का संदेश। पहली बात, यीशु में वास्तविक स्वतंत्रता है। परमेश्वर का वचन यशायाह 43 उसका 11 पद कहता है, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला या स्वतंत्रता देने वाला नहीं है। उसी प्रकार के गलाती 5 उसका 1 में पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता तो आत्मिक स्वतंत्रता है, जिसके तहत यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को पाप, बुराई, संसार, शैतान एवं मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें अपना अनमोल लहू बहाकर पाप के दासत्व से स्वतंत्र किया है। इसलिए हमें उस बलिदान की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने स्वतंत्र जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना है। अपने जीवन को प्रभु की सेवा के निमित्त, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी स्वतंत्रता का आत्मिक सेवा है। दूसरी बातें, वास्तविक स्वतंत्रता सत्य के ज्ञान में है। जैसे मक्खी मकड़े के जाल में इसलिए फंसता है क्योंकि उनको जाल और मकड़ी की चाल की जानकारी नहीं होती है, वैसे ही मनुष्य कई प्रकार के जाल, चाल और बंधन में फंस जाते हैं। हमें आज़ादी के लिए सत्य की ज्ञान की जरूरत है। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 पद में वचन कहता है, यदि परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे अंदर है तो सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना यीशु को जानना है और यीशु को जानना परमेश्वर को जानना है। यूहन्ना 14 उसका 6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है वह संसार के सदृश नहीं, पर मन उसका नए हो जाता है और उसका चाल चलन भी बदल जाता है। वह ज्योति के पीछे चलता है, वह अंधकार में नहीं चलता, जिस प्रकार के यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। हम उदाहरण के तौर पर हम जकई के जीवन को देखते हैं। लोक रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1-10 पद में, जहाँ जकई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और वह धन का लालची था, वह धनवान था, वह लोगों से लूटता था और अपने लिए धन इकट्ठा करता था। परंतु जब यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं और उसके घर में जाते हैं, अपने जीवन को देखने पाता है कि वह कितना बुराई में जी रहा है, अंधकार में जी रहा है। परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब उसका ज्ञान को सीखता है, जानता है, तब उसने अपना मन बदल लेता है और जीवन भी बदल लेता है,
जो छीनने वाला और लूटने वाला व्यक्ति था वह देने वाला बन जाता है। गरीबों को वह अपना धन बटने की बात करते हैं और जो अन्याय से कमाया है पैसा उसका 4 गुना फेर देने की बात करते हैं। तब यीशु कहते हैं कि आज तेरे घर में उधार आया है और जकई का जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार के हम 9वें अध्याय में साउल के जीवन को देखते हैं, जो साउल एक मसीहों को सताने वाला था, मसीह का विरोधी था और वह एक यहूद कट्टर यहूदी था। सब लोगों को वह मसीहों को सताता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, सत्य का ज्ञान उस पर प्रभाव डालता है, तब उसका जीवन चरित्र चाल व्यवहार ही पूर्ण रूप से बदल जाता है। आज के वचन में भी रोमियो की 12वां अध्याय उसका 2 पद में कहता है कि तुम्हारे मन बदल जाने के कारण या ज्ञान को प्राप्त करने के कारण हमारा जीवन चल चरिता भी हमारा बदलता जाए। वैसे ही पौलुस के जीवन में भी उसका जीवन बदल जाता है और वह सुसमाचार का प्रचारक बन जाता है, यीशु मसीह को प्यार करने वाला बन जाता है। कलीसिया को जो सताने वाला था वह कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं प्रचारक बन करके सारे दुख और तकलीफ और क्लेश को सहते हुए अपने जीवन को भौतिक और पवित्र करके परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम आज भी पाप, बुराई, नशापान, गलत संगति, गलत कर्मों इत्यादि में फंसे हैं और इन सब चीज़ों से स्वतंत्र पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आए, वचन पर ध्यान और मनन करें, प्रभु को पुकारें। निश्चय ही जैसे दुखते हुए पतरास को प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा करके वह बचा लेता है, उसी प्रकार के हमारे जीवन को भी वह बचा लेगा। यूहन्ना 8 उसका 36 पद में प्रभु का वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। निश्चय ही हमारा यीशु ही सचमुच में स्वतंत्रता देने वाला है और उसके ज्ञान हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। तीसरी बात है, स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। स्वतंत्रता यह नहीं कि हम जैसे चाहें वैसे जीवन जिए, परंतु यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि यह गुलामी है। परंतु परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर उत्तरदायित्व के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। इस बात को हम आज के पुराने नियम व्यवस्था विवरण उसका 6वें अध्याय उसका 24 और 25 पद में देख पाते हैं। व्यवस्था विवरण 6 उसका 24 और 25 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखता है, यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धन्यवाद। आज हम इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की बंधुई से, मिस्र की दासत्व से इसराइलियों को स्वयं छुड़ाता है और उन्हें विधि व्यवस्था देता है और उसको पालन करने के लिए उन्हें आग्रह करता है। जब बालबच्चे उसका पूछेंगे कि हम क्यों पालन करें, तो पालन करने से ही परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का वह सामर्थ्य के काम, पराक्रम और जो हमें छुटकारे का, जो उसने हमें छुटकारा किया है, स्वतंत्र किया है, उन बातों को जानने और समझने पाएंगे। आज भी हमारे लिए यही नियम है कि हम परमेश्वर के अधीन होकर के उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए सुव्यवस्थित रूप से आज्ञाकारी होकर के हम यदि हम जीवन जीते हैं
तो स्वतंत्रता का हम सदुपयोग कर पाते हैं। स्वतंत्रता को बुरे का आड़ ना बनावी, इस प्रकार के पत्रास लिखता है। पहला पत्रास 2:16 वचन कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जनों पर अपने इस स्वतंत्रता को पूरे का आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। उदाहरण के तौर पर लूक रचित सुसमाचार उसका 15 में उड़ा पुत्र की कहानी को हम जानते हैं कि छोटका बेटा ने अपने पैतृक संपत्ति का भाग लेकर के वह स्वतंत्र होकर के दूर चला जाता है, लेकिन वह अपने ही मनमर्जी का जीवन जीने के कारण उसके जीवन में ऐसा भारी दुख और तकलीफ आता है कि भोजन तक शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता के लिए उसके स्वरों के साथ भोजन करना पड़ता है और उसने पश्चाताप करता है। फिर अपने पिता की ओर वह याद आता है और वह फिर से लौट आता है, उसका प्रेमी पिता ग्रहण करता है। मेरे प्यारों, आज भी हम किसी भी प्रकार के इसे अपने ही मनमौजी का जीवन जी रहे हैं, अपने ही इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, यह स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं है। परंतु नियम के अधीन परमेश्वर का भय मानते हुए आज्ञाकारिता को स्वीकार करते हुए यदि सुव्यवस्थित रीति से हम जीवन जीते हैं तो निश्चय ही हम स्वतंत्रता का लुत्फ उठा सकते हैं और उसी में हमें आनंद मिलता है। गलाती 5:13 वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। उसी प्रकार के तीतुस 2:12 हमें चेतावनी देता है, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर की ओर से जो भी हमें अपने अनुग्रह के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के हमें वरदान मिला है, उस वरदानों को एक दूसरे के भले में उपयोग करें। जिन्हें सिखाने की वरदान मिला हो वह सिखाने में लगा रहे, जिन्हें भविष्यवाणि करने का वरदान मिला हो वह भविष्यवाणि करने में लगा रहे, परमेश्वर के लिए भले भांति उसकी सेवा में अपने जीवन अपने शरीरों को पवित्र करके बलिदान के रूप में चढ़ावें। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत तरह का आशीष प्रदान करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के इस स्वतंत्रता के दिन में तेरे वचन को मनन करने तेरे ओर ध्यान लगाने में प्रभु तूने हमें अगुवाई दिया है। प्रभु जी, जो वचन इस समय बोया गया है हर एक के मन और हृदय में वापस नहीं पाए कि तू जो हमें मृत्यु शैतान के बंधन से हमें छुड़ाया है और प्रभु जी अनंत जीवन के लिए तू हमें बारिश ठहराया है, उसमें प्रवेश करने के लिए तू हमें जो स्वतंत्रता दिया है इसको हम किसी प्रकार के बुरे का आड़ ना बनाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचनों की चेतावनी में जीवन जीने के लिए हमें अगुवाई दे कि संसारिकता के नाना प्रकार के गंदगी से हम नाना प्रकार के बंधनों से सोच और विचारों से हम परे रह करके प्यारे प्रभु जी हम उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हम अपना जीवन को समर्पित करने पाएंगे। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में अनेक प्रकार के बंधन में हमारी जुआएं, माताएं, पिताएं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं जिन्होंने आज की संसारिकता के दौर में हम अनेक प्रकार के बंधन में हम बंधे हुए जकड़े हुए जा रहे हैं जिससे हमारा जीवन वह नाश की ओर चला जा रहा है। स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा तूने अवसर दिया है कि प्रभु जी तेरे सत्य के ज्ञान की खोज में हमारा जीवन व्यतीत होने पाए, तेरे वचन का ज्ञान हर एक के जीवन में फाल लाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, बाबा
तेरे वचन का प्रकाश को प्रभु जी हरेक के हृदय में तू खोलने दे कि उसमें अधिकाई से फल लाकर तेरी महिमा के लिए अपने अपने जीवन को जीवित और भौतिक रूप से पवित्र करके तेरे सम्मुख चढ़ाने पाएंगे। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हरेक को जो तू अपने अनुग्रह के अनुसार वरदान के रूप में जो दिया है उसको हे पिता एक दूसरे की सेवा में हम लगाने पाएंगे, जो हमें हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता देने पाएगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि 2020 अगस्त 15 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने में तू आगे दिया है। प्रभु जी आज के वचन की आशीष हर एक को बहुत आज से मिले। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व में है ख्रिस्त यीशु में हमारे मन और हमारे हृदय को रक्षा करेगी आपसे सदा लो, आमीन। इस समय तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से, डंडी नंबर 245, मुकुतिन बेदा भैरो पाप गही डहरिन अम्बरचिया, मुकुतिन बेदा भैरो। मुकुतिन बेदा भैरो पाप गही डहरिन अम्बरचिया, मुकुतिन बेदा भैरो। अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी खिस्तानी कलिसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और जड़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें
और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, तू अपना दया हमारे हरेक देश के एक एक निवासियों के ऊपर में तू अपना बनाए रख प्रभु जी। आधुनिकता के होड़ में पिता परमेश्वर वा आज संपूर्ण विश्व एक दूसरे के टक्कर में बढ़ रहे हैं, कंपटीशन का जीवन में जी रहे हैं प्रभु जी। विशेष करके हमारे भारत देश आज 74 वर्ष हो गया है स्वाधीनता प्राप्त करते हुए प्रभु जी। आज के दिन भी हमारे एक एक भारतवासियों के जीवन में अनेक प्रकार के स्वतंत्रता की आवश्यकता अभी भी बाकी है। इससे पिता परमेश्वर अबा जीवन जीने के लिए जीविका की आवश्यकता है, लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा की उन्नति की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के ज़माना में हर एक उन्नत प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, देशवासियों के लिए देश की सुरक्षा के निमित्त जितने भी सैनिक बल लगे हुए हैं उनके लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होता है। प्यारे पिता अबा देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति धर्म से बढ़ करके प्रभु जी तेरे देशभक्ति में लोग आज बढ़ रहे हैं। हे पिता विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के बीच में प्रभु तू ही एकता को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। भाईचारे का भाव को तो प्रभु जी हर एक के आत्मा में कुंडे कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम स्वाधीन भारत के संतान हैं। हे प्रभु हमारे हर एक के जीवन के लिए सुस्वस्थ चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी जीविका चाहिए, इन सार को उपलब्ध कराने में हमारे सरकार की अधिकारियों को मानव को प्रभु तू खोल दे, उन्नति के राह पर तू ले चल कि उनके द्वारा देशवासियों के एक एक जनों के लिए सुविधा मुहैया करा जाने सके। प्यारे पिता परमेश्वर बा आज भी कितने लोग गरीबी की अवस्था में है, कंगालपन की अवस्था में है, रोग और दुख तकलीफ की दशा में है, ऐसे परिस्थिति में प्रभु तू अपना दया हम पर पसारे रख कि पिता परमेश्वर बा तेरे ही अधीनता को स्वीकार करते हुए लोग एक दूसरे के प्रति हम दया और धर्म के साथ तेरे देश के निमित्त अपना जीवन को समर्पित करने पाएंगे। उसी प्रकार के पिता परमेश्वर बा हमारे कलीसिया के बिशाप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी राज कर्मचारियों और कलीसिया के स्वभाव को आशीष दे कि वे मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। इस लॉकडाउन के परिस्थिति में प्रभु जी आज हम हरेक तेरे गिरजा भवन तेरे आराधनालय बंद पड़ा हुआ है प्रभु जी। इस लॉकडाउन के अवसर में कोरोना वायरस के महामारी के कारण लोग हम भयभीत हैं। तू ने पिता परमेश्वर अवतर वचन में कहता है मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं परंतु संयम की आत्मा दिया हूँ। हे प्रभु परमेश्वर बा हर एक को इस महामारी के आतंक से डर और भय से प्रभु तू हमें छुटकारा दे। तेरे वचन के द्वारा हमें दृढ़ता की विश्वास दे प्रभु जी। इस संसार जब जब भी तेरे विरोध में पाप और बुरे करते हैं लोग तब तू चेतावनी के लिए अब तू अपना संकट चाहे इस दुनिया पर अनेक प्रकार के आपदाएं हमारे जीवन में प्रकट होता है तैलेश्वर अबा तू अपना दया को प्रकट कर और पिता परमेश्वर तेरा कोप शांत होने पाए, यह महामारी हमारे देश से लोगों में से दूर होने पाए और हम शांति के साथ निर्भय होकर के जीवन व्यतीत करने पाएंगे। तेरे पिता परमेश्वर अबा प्रार्थना करते हैं बाल बच्चों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आज स्कूल कॉलेज जाने नहीं सक रहे हैं उनके लिए भी प्रभु तुम मार्ग खोल दिया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन से पढ़ाया जा रहा है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन को स्थिरता प्रदान कीजिए, बुरे सोच विचारों से प्रभु तू स्वतंत्र कीजिए और पिता परमेश्वर बा उन्हें अपने तेरे उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए एक एक को अच्छे बुद्धि और ज्ञान से तो उन्नति के मार्ग पर ले चल। दयालु ईश्वर पिता आपकी दया आपकी अनुग्रह से हम जो इस नई पीढ़ी में जीवन जी रहे हैं इस सदियों के लोगों के जीवन में आत्मा में प्रभु तेरी ओर जो अंतिम दिन की घटनाक्रम को देख पाते हैं दयालु ईश्वर पिता तेरे आने का समय बहुत ही निकट आ गया है। यह शैतान भी जानता है उसके कारण शैतान अनेकों को जो जल में फंसा रहा है, अनेक प्रकार के लालच में फंसा रहा है, बहुत सारे ऐसे सुसाइड के केस आ रहे हैं, वह बहुत सारे ऐसे अपने आप को जलांजलि दे रहे हैं, ऐसे आत्मा को दुष्ट आत्मा को प्रभु तो उनसे दूर कर
प्रभु तेरे वचन के भय और प्रेम में बढ़ने के लिए हरेक को अगुवाई दीजिए, चेतावनी दीजिए कि लोग सब मिल करके तेरी महिमा को, तेरे उस उद्धार को जहाँ तू पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके हमें इस दुनिया से प्रभु जी अपनी संगति में ले जाने के लिए तो आने वाला है, उस दिन की बाट को हम धीरता से जोहने सकें। दयालु ईश्वर पिता, आज के दिन तो हमें मनन करने में आपने दिया, इसलिए मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। तो दान के स्वरूप में जितने भी धन्यवादी नाम से तेरे तुझे अर्पण किए हैं, उन देने वाले के मन को भी ग्रहण कर और उस दानों को भी तो ग्रहण कर। इस दान के देने के कारण किसी प्रकार के जीवन में किसी को घाटी होने ना पाए, परंतु परमेश्वर पिता तेरे कलिसिया की अगुवाई, तेरे मंडली की सेवा में व काम में आने पाए और देने वाले के लिए आशीष ही तो प्रदान कर। जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन के आराधना में जुड़ने नहीं भी सके हैं, उनके जीवन में भी प्रभु तो समय के अनुसार ज्योति को उनके बीच में पहुंचा, सत्य के ज्ञान को उनके बीच में पहुंचा, क्योंकि सत्य के ज्ञान के द्वारा ही हमारे लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। उसको हम हर कोई पाने की आवश्यकता है। यह भी तेरी इच्छा है कि कोई भी आत्मा नष्ट ना हो, परंतु हर एक आत्मा बचाया जाओ। पिता परमेश्वर बाबा, आज के दिन की आशीष हर एक को पिता परमेश्वर बाबा तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार तो प्रदान कीजिए। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप विश्वासी और दीनहीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। यीशु है। अभी सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गान गायन करेंगे।